हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू एंड आप में से जो लोग सेशन में लाइव जुड़े हैं या जो लोग इसको बाद में रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं सो वेलकम टू लेक्चर नंबर थर्टी फाइव ऑफ भारतीय न्याय संहिता ओके चलिए सेशन स्टार्ट करने के पहले गाइज uh, अगर कोई नया ऑडियंस है कोई नया स्टूडेंट है जो कि इस क्लास को पहली बार देख रहा है सो so आप मेरे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें, या फिर अगर आपका कोई भी डाउट है सब्जेक्ट रिलेटेड या एनीथिंग एल्स रिलेटेड तो उसको भी आप मुझसे यहाँ पे डिस्कस करके पूछ सकते हैं हाय गाइस वेरी गुड इवनिंग आप सबके नाम ले पाना तो पॉसिबल नहीं है uh, ठीक है सो तो जिन जिन लोगों ने लिखा है आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग ठीक है गाइज बिफोर आई स्टार्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जो हमारी लीप ईयर की सेल चल रही है उसका कल लास्ट डे है सो so हमारा जो फाउंडेशन बैच नंबर सिक्स है uh, जो फर्स्ट ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है सो so अभी आपके पास इस बैच में एनरोल करने का बढ़िया मौका है बाईस uh, का ये पूरा बैच है जहां पे प्रलिम से लेके इंटरव्यू तक की पूरी एक जगह डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है ठीक है बाईस हजार चार सौ निन्यानवे की प्राइस में और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस बैच में ज्वाइन करके एनरोल कर सकते हैं बैच का प्राइस कितना है सॉरी इनरोल uh, करते समय बस आपको क्या करना है मेरा डिस्काउंट कोड ए आर जे याद रखना है क्योंकि इसी से आपको मिलेगा सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये प्राइस सिर्फ कल तक वैलिड है फर्स्ट ऑफ मार्च से ये प्राइस जो है वो आपका बढ़ जाएगा महंगा हो जाएगा इसके साथ साथ जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया भी था कि हमारा जो नया क्रिमिनल लॉज वाला बैच है उसे भी स्टार्ट कर दिया गया है उसे लॉन्च कर दिया गया है uh, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ बिफोर वी मूव अहेड तो पंद्रह मार्च से हमारा न्यू क्रिमिनल लॉज वाला जो बैच है ये स्टार्ट होने जा रहा है ठीक है लाइक आई टोल्ड यू इस बैच में आपको तीनों लॉ सब्जेक्ट्स की क्लासेस दी जाएंगी बी एन एस बी एन एस एस और बी एस ए तीनों आपको इसमें पढ़ाया जाएगा और यूट्यूब से ये थोड़ा अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि uh, आप ऐसे समझो कि देखो बी जो है वो बेसिकली आईपीसी ही है, है ना मतलब लगभग आईपीसी ही है एक्सेप्ट लाइक फ्यू चेंजेस थोड़े बहुत जो बदलाव आपके हुए हैं तो आप इसको ऐसे समझ के देखो कि जैसे कि आपको जुडिशरी की क्लासेस में जुडिशरी जब आप कहीं पे भी कोर्स वगैरह के लिए इनरोल करते हो जुडिशरी के लिए तो वहां पे जैसे आपको एकदम बेसिक से आईपीसी पढ़ाया जाता है है ना क्राइम क्या होता है इंटेंशन क्या होता है मोटिव क्या होता है सारे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाते हैं फिर आपको सेक्शन नंबर वन से पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है तो वैसे ही इस न्यू क्रिमिनल लॉज बैच में आपको एकदम बेसिक से जो है वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी डिटेल में पढ़ाई जाएंगी मतलब यूट्यूब से थोड़ा और इनडेप्थ होगा वो ताकि BNS अगर कल को आपके प्रिलिम्स और मेंस के एग्जाम में भी आता है तो मेंस की भी आप अपने आंसर्स वगैरह लिख पाए और प्रिलिम्स के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाए प्लस जाहिर सी बात है सीधी सी बात है Prelims और मेंस के सेपरेट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस बैच में तो फिफ्टींथ मार्च से ये बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है सेशन के एंड में एक बार मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड uh, कर दूंगी कि ये बैच कहाँ पे है और किस तरीके से आप इस बैच के अंदर में इनरोल कर सकते हैं ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम बी से सो देखिए बी में uh, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था लास्ट क्लास में हम सेक्शन नंबर 51 जो है इसे हम डिस्कस कर चुके थे जिसमें हमने बात कर ली थी कि अगर जो अबेटर है जिसने किसी भी ऑफेंस का क्या किया है अबेटमेंट किया है तो अबेटेड ऑफेंस के अलावा अगर कोई और ऑफेंस कमिट हो जाता है तो अबेटर जो है वो दोनों चीजों के लिए वहां पे लाइबल माना जाएगा प्रोवाइडेड जो ऑफेंस हुआ है जो एक्ट कमिट हुआ है यानी कि तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि जो इलस्ट्रेशन है सेक्शन नंबर 51 के इनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये सेक्शन आपको और अच्छी तरीके से क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए देखो जो सबसे पहला वाला इलेट्रेशन है यह आपको क्या बताता है यह बेसिकली बात करता है ट्रांसफर ऑफ मैलिस के कॉन्सेप्ट के बारे में ट्रांसफर ऑफ मैलिस क्या होता है ट्रांसफर ऑफ मैलिस कि भाई मैं जो है आपको मारना चाहती थी आपको मारने के अलावा मैंने किसी और को मार दिया इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस तो यह कहीं ना कहीं ट्रांसफर ऑफ मैलिस वाला ही इलस्ट्रेशन है आपका अब देखिए यहां पर क्या होता है यहां पर ए है ए एक बच्चे को बोलता है ठीक है ए एक चाइल्ड को बोलता है कि आपने क्या करना है आपने जाके जेड के खाने में जहर मिला के आ जाना है तो ए ने क्या किया है ए ने अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन किया है।, है ना इंस्टिगेशन के तरीके से इसने एक बच्चे को अबेट किया है और बच्चे को बोला है कि भाई तुम जाओ और जेड के खाने में जाके क्या कर दो जाके जहर मिला दो अब बच्चा जाता है जहर मिलाने के लिए लेकिन गलती से जेड के खाने में जहर मिलाने की बजाय क्या करता है वाई के खाने में जहर मिला के आ जाता है अब यहां पे क्या हुआ यहां पे वाई जो है वो मर गया है ना तो यहां पे हो क्या रहा है कि भाई आप जो एक्ट करवाना चाहते थे आपने किस एक्ट का अबेटमेंट किया था आपने अबेटमेंट किया था जेड के खाने में जहर मिलाने का तो आप जो एक्ट चाहते थे वो तो हुआ नहीं उसकी बजाय में कोई दूसरा एक्ट हो गया दूसरा एक्ट क्या हो गया कि भाई वाय के खाने में जहर मिल गया और वाय यहां पे जो है वो मर गया नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई ए जो है यहाँ पे क्या लायबल माना जाएगा या नहीं लायबल माना जाएगा तो भाई यहाँ पे सेक्शन 51 ये कहता है कि जब आप एक बच्चे को इस तरीके की जिम्मेदारी दे रहे हो है ना तो बच्चे के पार्ट पे ये चीज हो सकती है भाई ये तो किसी के भी दिमाग में आएगा ना कि आप ए, एक एक पर्सन के खाने में जहर मिलाने की कोशिश कर रहे हो हो सकता है वो पर्सन उसको ना खाए उसके बजाय कोई और उसको आके खा ले या अगर मैं किसी के खाने में जहर मिला रही हूं है ना तो भाई मैं तो बच्चे को जिम्मेदारी दे रही हूँ तो हो सकता है बच्चा उसके खाने में जहर ना मिला के किसी और के में मिला के आ जाए तो ऐसे में यहाँ पे इलस्ट्रेशन आपका क्या कहता है यहाँ पे इलस्ट्रेशन आपका कहता है कि भाई ए जो है यहाँ पे लाइबल माना जाएगा हम यहां क्या प्रिज्यूम करके चलेंगे हम यहां ये यह प्रिज्यूम करके चलेंगे कि भाई ऐसा मान लेते हैं ए ने बच्चे को वाई के खाने में ही जहर मिलाने को बोला था तो आपका जो एक्ट अपडेट किया गया था और जो एक्ट act एक्चुअल में हुआ है वो दोनों क्या है आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी ये इफेक्ट निकल के आ सकता था तो आपको जो है यहां पे वाई के मॉर्डर के लिए पनिश किया जाएगा अब दूसरा यहां पे इलेट्रेशन देखो क्या कहता है अच्छा एक और रिमाइंडर में दे दूं इन इलेट्रेशन को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना अदरवाइज सेक्शन 53 में कंफ्यूज हो जाओगे और सेक्शन नंबर 53 समझ में नहीं आएगा तो इन इलेट्रेशन पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना अब देखो बी वाला इलेट्रेशन क्या कहता है बी वाला इलेट्रेशन कहता है ए ने बी को जाके बोला कि तुम्हें क्या करना है तुम्हें जाके जेड के घर को जला देना है तुम्हें जेड के हाउस को फायर कर देना है अब बी जाता है बी जाके क्या करता है जेड के घर को जलाता तो है मतलब घर जलाने का ऑफेंस तो यहां पे होता है लेकिन उसके साथ साथ वो उसके घर में चोरी भी करके आ जाता है अब यहां पे क्या हुआ है अब यहां पे जो अबेटेड एक्ट था घर जलाने का वो तो कमिट हुआ ही हुआ है लेकिन उसके एडिशन में उसके एक्स्ट्रा में एक और एक्ट कमिट कर दिया गया है यानी कि चोरी लायबल माना, माना जाएगा क्या ये चोरी करवाने के लिए लायबल माना जाएगा या ये दोनों के लिए लायबल माना जाएगा ठीक है तो ऐसे में अभी हमने लॉ में क्या पढ़ा सेक्शन फिफ्टी क्या कहता है कि भाई अगर घर जलाना और अगर चोरी करना दोनों आपस में कनेक्टेड होते यानी चोरी करना घर जलाने का एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होता एक रीजनेबल कॉन्सिक्वेंस होता तो ए जो है यहां पे दोनों के लिए लायबल माना जाता बट यहां पे क्या है भाई चोरी करना घर जलाने का एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है किसी के भी दिमाग में ये नहीं आएगा कि घर जलाते जलाते कोई चोरी भी कर सकता है तो चोरी एक कंप्लीट यहां पे सेपरेट ऑफेंस हो जाता है तो ए जो है हमारा यहां पे अबेटर ये सिर्फ और सिर्फ घर जलाने के लिए यहां पे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा ठीक है अब तीसरा वाला इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं तीसरा वाला इलेस्ट्रेशन यहां पर क्या कहता है तीसरा कहता है कि ए जो है ये बी को कहता है कि भाई तुझे क्या करना है सॉरी ए जो है वो बी और सी दो लोगों को कहता है कि तुम्हें क्या करना है तुम्हें घर में जाके डकैती मारनी है आपको एक घर में जाना है और घर में जाके आपको डकैती जो है वो मारनी है, वहाँ पे जाके आपको चोरी -चकारी और यहां पे इंटेंशनल एडिंग भी हो रही है आप सामने वाले को हथियार भी यहां पे प्रोवाइड कर रहे हो ना तो भाई ए के इंस्टीगेशन में आके बी और सी क्या करते हैं हथियार लेके जाते हैं और एक घर में रॉबरी करने के लिए घुस जाते हैं है ना अब यहां पे क्या होता है रॉबरी करते करते रॉबरी करते करते यहां पे एक पर्सन जो है वो मर्डर भी कर देता है एक पर्सन जो है बी आ सी में से एक व्यक्ति जो है वो रॉबरी करते करते मर्डर भी कर देता है अब सवाल यहां पे यही आता है कि भाई क्या यहां पे एक को रॉबरी के लिए पनिश किया जाएगा या मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा अब इसके लिए तुम्हें रॉबरी पता होना चाहिए अब रॉबरी देखो क्या होता है रॉबरी अपने आप में तो कोई ऑफेंस होता है नहीं रॉबरी या तो जब किसी इंसान को इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ दिखाया जाता है इंस्टेंट फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट दिखाया जाता है इंस्टेंट फियर ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रीन दिखाया जाता है तभी तो उसको रॉबरी कहते हैं ना तो अगर कोई इंसान तुम्हारे घर में चोरी करने घुसा और चोरी करते करते उसने तुमको देख लिया और उसने तुम्हारी तरफ ऐसे तांदी और तुमको बोला जगह तुम से तो तो रॉबरी कहेंगे क्योंकि चोरी होते होते तुमको क्या था तुम्हें मरने का डर था तुम्हारी इमेजिएट डेथ का तुम्हारे सर पे यहां पे खतरा था तो ये क्या है ये रॉबरी है अब सीधी सी बात है तो इससे आप समझ पा रहे हो ना कि रॉबरी में इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ होता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आदमी रॉबरी करते करते किसी की डेथ कर सकता है जब बंदूक दिखा के डरा रहा है तो मार भी तो सकता है जब बंदूक दिखा के ग्रीवियस हर्ट करने की धमकी दे रहा है तो ग्रीवियस हर्ट कर भी तो सकता है जब रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने की धमकी दे रहा है तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन भी कर सकता है तो ए जो है यहां पे उसके दिमाग में ये आना चाहिए था कि भाई एक बात तो ये हुई कि तुम चोरी चकारी करते हुए किसी को डरा रहे हो धमका रहे हो कि तुम उसको मार दोगे तो लेकिन मार भी तो मार भी तो सकते हो ना अगर सिचुएशन जो है वो हाथ से यहां पे निकल गई तो ऐसे में ए जो है वो रॉबरी के लिए भी माना यहां पे लाइबल माना जाएगा और मर्डर के लिए भी लाइबल माना जाएगा क्योंकि रॉबरी और मर्डर जो है दोनों कनेक्टेड चीजें हैं क्या ये बात समझ में आ गई क्या सेक्शन फिफ्टी आपको क्लियर है क्या सेक्शन फिफ्टी आपको क्लियर है ओके okay, परफेक्ट अब 51 को कंप्लीटली अपने दिमाग से भूलना मत ठीक है 51 को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना क्योंकि अभी जब 53 पढ़ेंगे ना तो वापस से सेक्शन आपके काम आएगा ठीक है अब देखो 52 112 जो आपका सेक्शन था ये बेसिकली बन चुका है सेक्शन नंबर 52 अब 112 क्या कहता है 112 या सेक्शन 52 ये क्या कहता है 52 कहता है इफ द एक्ट फॉर विच द अटर इज लाइबल अंडर सेक्शन फिफ्टी तो ये बेसिकली किस बारे में बात कर रहे हैं ये पहली लाइन आपकी बात कर रही है कि भाई हमने तुमको बता दिया कि जिस एक्ट का अबेटमेंट किया जा रहा था उस एक्ट के अलावा अगर कोई सेपरेट एक्ट भी हो रहा है कोई सेपरेट ऑफेंस भी हो रहा है और अगर आपको उस एक्ट का प्रिडिक्शन था अगर आप उस एक्ट को समझ पा रहे थे अगर आपको आइडिया था कि वो हो सकता है तो तुम उस दूसरे एक्ट के लिए भी लाइबल माने जाओगे ठीक है ये आपने हमको बता दिया अब 52 क्या कहता है 52 कहता है कि भाई थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ते हैं है ना अब 52 को यहां पे समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लो है, ठीक है ए एक पर्सन है। ए को आपने बोला कि आपको क्या करना है आपको एक घर के अंदर में जाके जो है मर्डर करके आना है नहीं मर्डर का एग्जाम्पल नहीं लेते जो है आपने इसको बोला कि भाई आपको एक घर में जाना है और आपको यहां जाके ग्रीवियस हर्ट करके आना है ठीक है तो ए ने अबेट किया है किसी को कि तुझे जाना है और तुझे जाके कहीं पे ग्रीवियस हर्ट करके आना है ठीक है भाई सामने वाला पर्सन मान लेते हैं बी को अबेट करता है ये तो बी जो है वो चला जाता है ग्रीवियस हर्ट करने के लिए अब ग्रीवियस हर्ट करते करते बी इतना ज्यादा भावनाओं में बह जाता है मतलब अटैक जो है इतना ज्यादा यू नो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं ग्रीवियसली हो जाता है मतलब थोड़ा ज्यादा इंटेंसिटी से हमला यहां पे कर दिया जाता है कि जिसको ये ग्रीवियस हर्ट करने गया था मान लेते हैं सी तो सी की यहां पे क्या हो जाती है डेथ हो जाती है है ना तो अब यहां पे क्या हुआ अबेटमेंट किया गया था ग्रीवियस हर्ट को करने का एक्ट क्या हुआ है एक्ट हुआ है यहां पे डेथ का ठीक है यहां पे जो है वो डेथ डे, 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 डे हो गई है ठीक है इसको रुको और सिंपल बना देते हैं आपने किसी को यहां पे बोला था आपने यहां पे किसी को ऑफेंस करने के लिए मान लेते हैं बोला ठीक है रॉबरी करने का पिछला वाला ही एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं आपने किसी को यहां पे रॉबरी करने के लिए बोला रॉबरी करते करते वो पर्सन क्या करके आ गया यहां पे मर्डर करके आ गया तो आप रॉबरी करवाने के लिए आपने किसी को भेजा वो इंसान मर्डर करके आ गया ठीक है तो रॉबरी में डराते धमकाते सच में किसी को मार के यहां पे आ गया ठीक है अब ये सेक्शन बोलता है कि भाई अगर सेक्शन 51 के हिसाब से तो अभी हमने सेक्शन 51 में क्या पढ़ा 51 में हमने ये पढ़ा कि अगर आपने ये करने के लिए भेजा था और सामने वाला ये भी करके आ गया और ये अगर इसका एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था तो तुम इसके लिए भी लायबल हो और तुम इसके लिए भी लायबल हो यही अभी हमने पढ़ा तो ये क्या बात कर रहे हैं ये यहां पे बात कर रहे हैं इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर अंडर सेक्शन वन इज कमिटेड इन एडिशन टू दबेटेड तो ये वाला सेक्शन किसके बारे में बात कर रहा है ये बात कर रहा है इस वाले एक्ट के बारे में ये बात कर रहा है मर्डर वाले एक्ट के बारे में जिसका अबेटमेंट नहीं किया गया था हमने सामने वाले को मर्डर करने नहीं भेजा था हमने उसको भेजा था रॉबरी करने के लिए लेकिन वो एडिशन में एक एक्ट करके आ गया और जो अबेटर है वो एडिशन वाले एक्ट के लिए भी लाइबल माना जा रहा है क्योंकि एडिशन वाला एक्ट अबेटेड वाले एक्ट का क्या है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है उससे कनेक्टेड है ठीक है तो उसके बाद 52 क्या कहता है और वो एक अलग ऑफेंस है भाई आईपीसी में या भारतीय न्याय संहिता में मर्डर अपने आप में एक अलग ऑफेंस है उसकी अपनी अलग पनिशमेंट होती है और रॉबरी अपने आप में एक अलग ऑफेंस है उसकी एक अलग पनिशमेंट यहां पे होती है तो जो अबेटर है ही इज लाइबल टू द पनिशमेंट ऑफ ईच ऑफ ऑफेंसेस तो यहां पे क्या होगा यहां पे ये यह बेसिकली आपको एक रूल ऑफ एविडेंस ये सेक्शन बेसिकली आपको एक रूल ऑफ एविडेंस बताता है या फिर आप सीआरपीसी का रूल इसको समझ लो ट्रायल का एक रूल बताता है कि भाई जब इस आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी जब इसका ट्रायल यहां पे होगा तो ट्रायल इसका रॉबरी का भी होगा और मर्डर की भी मर्डर का भी होगा और जब सजा यहां पे सुनाई जाएगी ठीक है तो दोनों के हिसाब से यहां पे क्या सुनाई जाएगी पनिशमेंट जो है इसको यहां पे दी जाएगी भाई हम रॉबरी के हिसाब से भी इसको देखेंगे और मर्डर के हिसाब से भी देखेंगे ऐसा नहीं देखेंगे कि बच्चा ठीक है करने तो रॉबरी गया था और गलती से मर्डर हो गया दोनों में से किसी एक की पनिशमेंट इसको दे दो नहीं इसको रॉबरी के लिए अलग पनिशमेंट दी जाएगी और मर्डर के लिए इसको अलग पनिशमेंट यहां पे जो है वो दी जाएगी क्योंकि दोनों जो ऑफेंस हुए हैं जिसका अबेटमेंट किया गया है या जो कमिट अल्टीमेटली आपका हुआ है दे आर टू सेपरेट ऑफेंसेस उन दोनों की अलग अलग पनिशमेंट है ठीक है तो यहां पे इसको क्या किया जाएगा यहां पे जो है मैम प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है तो 51 ही लाइबल हो जाएगा 52 आपको यह बताता है सी 51 जो है खुशी फिफ्टी uh, वन जो है वो आपको ये बताता है कि हम जो है आपको वहाँ पे पनिश कर रहे हैं आपने एक कमिट किया, दूसरा वाला जो कमिट हुआ है और कब आप दूसरे वाले के लिए लाइबल नहीं माने जाओगे है ना दूसरे वाले के लिए आप लाइबल तब हो जब वो पहले वाले से कनेक्टेड है दैट इज अपरेट रूल ऑफ एविडेंस ये यहां पे ये कहता है कि भाई जब दूसरा वाला एक एडिशन वाला एक्ट कमिट हो रहा है है ना ये ट्रायल वाले स्टेज की बात कर रहा है जब पनिशमेंट सुनाई जाएगी ना उस वाले स्टेज पे सेक्शन को रेफर किया जाएगा कि भाई तुम जिस एक्ट को अबेट कर रहे थे उसके साथ साथ क्या हो गया उसके साथ साथ दूसरा एक्ट भी यहां पे कमेट हो गया इन एडिशन टू एक और चीज यहां पे कमेट हो गई वो अपने आप में एक ऑफेंस है तुमने भेजा किसी को रॉबरी करने के लिए तो पिछले वाले में हमने आपको बता दिया कि भाई दोनों के लिए आपको पनिश किया जाएगा ठीक है लेकिन ये जो दूसरा वाला है ना ये अपने आप में एक ऑफेंस है है ना तो इसके लिए आपको अलग से पनिश किया जाएगा मतलब इसका अलग सेंटेंस होगा मतलब इन द सेंस इसकी अलग इयर्स आपकी कैलकुलेट की जाएगी और रॉबरी वाले की आपकी अलग यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं अब एग्जाम्पल क्या कहता है कि भाई ए एक पर्सन है ये बी को कहता है कि तुझे क्या करना है तुझे डिस्ट्रेस करना है फोर्स रेजिस्ट बाय फोर्स करना है अ डिस्ट्रेस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट डिस्ट्रेस क्या होता है वट इज अ डिस्ट्रेस काजल वो तो देखो सबूतों पर डिपेंड करेगा जिसको अबेट किया गया है वो बताएगा कि उसको कैसे कैसे अबेट किया गया है जो अबेटर है वो बताएगा कि मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था मतलब ये तो एविडेंसेज पर डिपेंड करेगा ना वॉट डू मीन बाई डिस्ट्रेस ए बी को इंस्टिगेट करता है टू रेजिस्ट अ फोर्स अ डिस्ट्रेस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है सचिन यहां पे क्यूमुलेटिव कहां लिखा है क्यूमुलेटिव <clears> आईपीसी <throat> में लिखा है सचिन बीएनएस में क्यूमुलेटिव नहीं लिखा है cumulative का वैसे क्यूमुलेटिव इन्होंने बीएनएस में से हटा दिया है बीएनएस डज नॉट टॉक अबाउट क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ ठीक है नहीं फिफ्टी अरे तो फिफ्टी टू वही तो बताया वर्षा 52 तो तब आएगा ना जब 51 वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा अगर तुम दूसरे वाले एक्ट के लिए लायबल माने जा रहे हो जो तुमने अबेट किया था उसके अलावा जो सेपरेट ऑफेंस हुआ है अगर आप उसके लिए लायबल माने जा रहे हैं अगर वो कनेक्टेड है तो तो 52 आएगा अगर ऑफेंस कनेक्टेड ही नहीं है तो 52 क्यों आएगा हाँ तो एक तरीके से फोर्स यूज करना तो ए जो है ए यहाँ पे बी को बोलता है कि भाई तुझे क्या करना है तुझे एक पब्लिक सर्वेंट को रोकना है फोर्स लगा के उस पब्लिक सर्वेंट को आपको एक तरीके से रिस्ट्रेन करने की कोशिश करनी है को रोकने की उस, आ, आ, जो है वो कोशिश करता है उसके ऊपर यानी कि उसके ऊपर फोर्स यहां पर यूज करने की कोशिश करता है अब यहां पर होता क्या है कि बी ने यह करते करते दो ऑफेंसेस कमिट कर दिए है ना दो ऑफेंसेस क्या कमिट कर दिए बी ने पहले तो फोर्स यूज करके उस पब्लिक सर्वेंट को उस पुलिस ऑफिसर को उस पब्लिक सर्वेंट को फोर्स यूज करके उसको रोकने की कोशिश की ठीक है अब दूसरा यहां पे क्या हुआ कि जब तुमने फोर्स यूज की उस पब्लिक सर्वेंट पे तो वो घायल हो गया वो इंज्योर हो गया अब एक सिंपल सा सवाल बताओ देखो अपन को इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है अगर तुमसे पूछा जाए कि हाँ भाई बताओ बी जो है वो किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा तो बी तो भाई दोनों के लिए लायबल माना जाएगा ठीक है बी लाइबल माना जाएगा पब्लिक सर्वेंट को जो है रोकने के लिए भी उसको रिस्ट्रेन करने के लिए भी ठीक है उसके ऊपर फोर्स यूज करने के लिए भी और बी लाइबल माना जाएगा पब्लिक सर्वेंट को जो है यहां पर क्या करने के लिए ग्रीवियसली हर्ट करने के लिए भी तो बी तो भाई दोनों के लिए यहां पे लाइबल है लाइबल है अब सवाल यहां पर यह आता है द क्वेश्चन इज कि ए यहां पे किस चीज के लिए, लिए लायबल माना जाएगा है ना अब लॉ ये कहता है लॉ जो अभी हमने 51 में पढ़ा 51 में अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई जो एक्ट तुमने अबिट किया था और जो एक्ट कमिट हुआ है तो यहां पे हो क्या रहा है अब 51 का एक चीज वापस से समझने की कोशिश करो ठीक है, है एक जो कि जहां पे आपने फोर्स यूज किया है ठीक है और यहां पे आपने एक दूसरा एक्ट भी किया है जहां पे आपने ग्रीवियसली हर्ट किया है तो एक एक्ट तुमने अबेट किया है और एक एक्ट हो गया है ठीक है अब क्वेश्चन कि ए यहां पे किसके लिए लायबल माना जाएगा सो द लॉ सेज कि भाई तुम्हारा ये जो पहला वाला एक्ट है जहां पे तुमने फोर्स यूज किया है क्या ग्रीवियस हर्ट उसका एक रीजनेबल कॉन्सिक्वेंस है तो भाई सीधी सी बात है किसी के ऊपर अगर तुम चढ़ जाओगे बुरी तरीके से उसके ऊपर फोर्स यूज करोगे तो आर चांसेस कि आपको हर्ट भी यहां पे किया जा सकता है तो अब लॉ यहां पे क्या कहता है सेक्शन 52 जब कोर्ट यहां पे ए का ट्रायल करेगा तो कोर्ट यहां पे क्या करेगा इसको फोर्स के लिए भी कन्विक्ट करेगा मतलब जो वो जजमेंट आपका लिखा जाता है ना उसमें क्या लिखा जाएगा कि भाई ए इज लाइबल ऑफेंस कमिटेड अंडर सो एंड सो सेक्शन फॉर यूजिंग दोनों के लिए पनिश किया जाएगा तो यानी कि आपका पनिशमेंट यहां पर क्या होगा बढ़ जाएगा ना आपको जब क्यूमलेटिव पनिशमेंट यहां पर मिलेगी तो अलग अलग ऑफेंसिस की तो नो डाउट आपका ड्यूरेशन यहां पर बढ़ जाएगा तो दैट इज वॉट सेक्शन नंबर फिफ्टी टू यहां पर टॉक्स अबाउट अगर आप दोनों चीजों के लिए लाइबल माने जा रहे हो तो दोनों क्योंकि अलग अलग ऑफेंसेस कमिट हुए हैं आपको दोनों के लिए इकट्ठा यहां पे पनिश किया जाएगा ऐसा नहीं कि हम एक ही के लिए पनिश करेंगे हम दोनों के लिए अलग अलग यहां पे पनिश करेंगे तो पनिशमेंट दोनों ऑफेंसेस के हिसाब से कंसिडर करके आपको दी जाएगी ठीक है चलो अब यहां पर <clears throat> ऑब्वियसली हाँ, गोविंद आप थोड़ा लेट हैं क्या यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्राइवेट डिफेंस वाला पार्ट मैम इफ ए अबेटेड बी टू मर्डर सी एंड बी नहीं मर्डर और रेप कनेक्टेड नहीं है ए विल ओनली बी हेल्ड लाइबल फॉर मर्डर नॉट रेप मर्डर और रेप का कोई कनेक्शन नहीं है मतलब क्रिमिनल फोर्स और रेप कनेक्टेड हो सकते हैं ठीक है हाँ तो गोविंद थोड़े पीछे के लेक्चर्स में जाइए प्राइवेट डिफेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो 53 पे। अब होता क्या, है? 53 क्या है जो सेक्शन 113 हुआ करता था आईपीसी का यही सेक्शन नंबर फिफ्टी थ्री है, है ना? अब होता क्या है कि सेक्शन फिफ्टी और सेक्शन थ्री कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेगा जैसे पहले सेक्शन 111 और 113 स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया करता था तो 111 ही क्या है 51 है और 113 ही क्या है 53 है अब पहले 53 को समझो फिर फिलहाल एक्सप्लेन द डिफरेंस कि दोनों में एक्सैक्टली exactly डिफरेंस यहां पे क्या है ठीक है 53 कहता है इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अबेटर ऑफ कॉजिंग अ पर्टिकुलर इफेक्ट ठीक है इसको सिंपल तरीके से लिखू अभी हमने यहां तक का पार्ट रीड किया हाँ तो यहां तक का पार्ट क्या कह रहा है यहां तक का पार्ट कह रहा है आपने किसी एक्ट का अबेटमेंट किया है है ना तो जब आपने किसी एक्ट का अबेटमेंट किया है तो कुछ सोच के किया होगा अबेटर के पार्ट पे कुछ इंटेंशन होगा ना कि वो आपसे कुछ करवाना चाह रहा होगा तो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं तुमने जिस एक्ट का अबेटमेंट किया है लेट से वो ग्रीवियस हर्ट है है ना तो अबेटर यहां पे क्या चाहता था एक पर्टिकुलर इफेक्ट कॉज करना चाहता था कि तुम जाओ और किसी को जाके ग्रीवियसली हर्ट कर दो ठीक है अब लेकिन यहां पे हुआ क्या अब यहां पे एन एक्ट फॉर विच दी अबेटर इज लाइबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट कॉज अ डिफरेंट एक्ट अब यहां पे क्या होगा यहां पे लिखा है एन एक्ट फॉर विच दी अबेटर इज लाइबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट डिफरेंट एक्ट तुमने उसको ग्रीवियस हर्ट करने भेजा वो ग्रीवियस हर्ट करके नहीं आया वो कुछ और करके आ गया कॉजेज अ डिफरेंट इफेक्ट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर तो यहां पे एक एक्ट हो रहा है तुमने किसी को ग्रीवियस हर्ट करने भेजा मान लेते हैं कि वो हर्ट करके आ गया तुमने किसी को ग्रीवियस हर्ट करने भेजा वहां पे क्या हुआ वो करके आ गया है ना तो आपने जो जो करने भेजा था सामने वाले को उस का जो आप कॉन्सिक्वेंस देखना चाहते थे वो तुमको देखने को नहीं मिला उसके बजाय कोई और ही एक्ट हो गया वहां पे लेकिन उसी एक्ट से हुआ है तुमने जिस एक्ट से किसी को ग्रीवियस हर्ट करने को बोला था ठीक है मान लेते हैं इसको इसको और सिंपल में बनाती हूं मान लेते हैं किसी ने मुझे बोला कि मुझे आपको आके ग्रीवियस हर्ट करना है अब ग्रीवियस हर्ट का मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ू मैं तुम्हारे दांत तोड़ू मैं तुम्हारी आंख फोड़ू मैं तुम्हारे कान फोड़ू ठीक है ये ग्रीवियर्स हर्ट माना जाएगा तो मैंने क्या किया मैंने जो है ऐसे एक पेन लिया और मैंने तुम्हारी आंख फोड़ने की कोशिश की अब ये जो एक्ट मैं कर रही हूं ग्रीवियस हर्ट का तुम्हारी आंख फोड़ने का जिसका मुझे अबेट किया गया है वो आंख तुम्हारी लगी नहीं तुम्हारे आंख में वो पेन गया नहीं वो तो तुम्हारे साइड से ऐसे चला गया तो तुम्हारे यहां पे थोड़ी सी खरोच आ गई थोड़ा सा स्क्रैच टाइप का जो है वो लग गया तो ये ग्रीवियस हर्ट तो हुआ नहीं तो जिस एक्ट को करने के लिए भेजा गया था जिस एक्ट का अबेटमेंट किया गया था उस उसी एक्ट से एक अलग कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहा है ग्रीवियस हर्ट ना निकल के हर्ट वहां पे निकल के आ रहा है या ग्रीवियस हर्ट ना निकल के मर्डर वहां पे निकल के आ रहा है तो इट कॉजेज अ डिफरेंट एक्ट

अगर तुम ग्रीवियस हर्ट करने के लिए गए थे और तुम हर्ट करके वापस आ गए तो तुम हर्ट करने के लिए लाइबल यहां पे माने जाओगे अगर तुम ग्रीवियस हर्ट करने के लिए गए थे और तुम मर्डर करके आ गए तो तुम यहां पे मर्डर करने के लिए लाइबल माने जाओगे अब यहां पे एक इलस्टेशन देखो क्या कहता है ए बी को बोलता है कि भाई तुझे जाके जेड को ग्रीवियसली हर्ट करना है ना बी जो है वो इंस्टिगेशन में आके ग्रीवियस हर्ट करने जाता है लेकिन ग्रीवियस हर्ट से क्या हो जाता है जेड जो है वो मर जाता है अब ए को अगर पता था ठीक है कि ग्रीवियस हर्ट का कॉन्सिक्वेंस यहां पे मर्डर हो सकता है डेथ हो सकती है तो ए यहां पे मर्डर के लिए जो है वो लायबल माना जाएगा अब यहां पे, अब यहां पे एक बात सुनना ये हम्म। अब क्या तुमको ऐसा लगा यहां पे सुन के कि ये तो 53 और 51 लगभग सेम जैसी बातें कर रहे हैं क्या आपको ऐसा लगा जो मुझे लगा क्या आपको ऐसा लगा जो मुझे लगा कि 51, 53 सेम ही तो बात कह रहे हैं कि आप कुछ करने गए उसके अलावा कुछ और कर दिया तो आप दोनों के लिए लायबल माने जाओगे या जो हुआ है आप उसके लिए लायबल माने जाओगे तुमको ऐसा लगा 51, 53 सेम बात कह रहे हैं या 111, 113 सेम बात कह रहे थे ना नॉलेज का डिफरेंस नहीं है इसलिए तो बता रही हूं अब सुनो यहां पर डिफरेंस क्या है सेक्शन 51 की एक बार लैंग्वेज देखो ठीक है सेक्शन 51 की एक बार लैंग्वेज देखो सेक्शन 51 में क्या हो रहा था सेक्शन 51 में रुको इवन बेटर मैं तुमको वापस से मैंने बोला था ना 51 की इलस्ट्रेशन पढ़ते समय ध्यान देना ठीक है मैं तुमको 51 की इलस्ट्रेशन दिखाती हूँ। ठीक है 51 में क्या हो रहा था जैसे अपन चलो यही वाला इलस्ट्रेशन वापस से ले लेते हैं 51 में क्या हो रहा था 51 में 51 में आपने किसी को एक एक्ट करने को बोला और वो क्या था कि तुम्हें किसी के खाने में जाके जहर मिला के आना है है ना ये एक्ट तुमने बोला था ये बात को ध्यान से सुनो अभी सब भूल जाओ सब छोड़ दो लिसन टू केयरफुली अदरवाइज डिफरेंस समझ में नहीं आएगा हमेशा कंफ्यूज रहोगे दोनों सेक्शन के बीच में क्योंकि एक सौ में भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते थे ठीक है तुमने जो एक्ट का अबेटमेंट किया है वो ये एक्ट है तुमने जो एक्ट करने को बोला है वो ये एक्ट है तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जाके एक्स के खाने में जहर मिला के आना है ये तुमने बोला है करने के लिए ठीक है सामने वाला करके क्या आया सामने वाला वाई के खाने में जहर मिला के आ गया क्या दोनों एक्ट सेम है क्या तुमने जो करने को बोला था वही यहां पे हुआ है कि कुछ अलग हो गया है इतने से सवाल का जवाब दो तुमने जो एक्ट अबेट करने को बोला था क्या वही हुआ है या कुछ और यहां पे हो गया है अलग हुआ है ना कंप्लीट डिफरेंट एक्ट हो गया ना ये तो जिसको मारने को बोला था वो मरा नहीं कोई और यहां पे हो गया किसी और के ऊपर अटैक हो गया तो यहां पे डिफरेंट एक्ट आपका जो है वो कमिट हो जाता है ठीक है सिमिलरली अब यहां वाला देखो यहां पे क्या हुआ यहां पे तुमने एक को बोला कि आपको किसी का घर जलाना है ठीक है उस इंसान ने घर जलाया तो जो तुम्हारा अबेटेड वाला एक्ट था जिस एक्ट का तुमने अबेटमेंट किया था घर जलाना वो तो यहां पे हो ही रहा है लेकिन उसके साथ में क्या हो रहा है एक सेपरेट एक्ट भी हो रहा है कि वो चोरी भी करके आ गया क्या सेम एक्ट हुए हैं अलग एक्ट हुए हैं एक एक्ट जो तुमने अबेट करने को बोला था और उसके अलावा एक सेपरेट एक्ट भी हो गया है जो तुमने नहीं करने को बोला था Similarly, यहां पे, सी वाले में, देखो, सी वाले में क्या हो रहा था तुमने किसी को रॉबरी करने को बोला और रॉबरी करते करते वो क्या करके आ गया एक सेपरेट एक्ट करके आ गया विच इज मर्डर का तो तुमने तो रॉबरी करने को ही बोला था ना तुमने मर्डर करने को तो बोला नहीं था तो एक तुम एक्ट करने को बोलते हो उसके बजाय सामने वाला दूसरा एक्ट करके आ जाता है दिस इज वॉट सेक्शन टॉक्स अबाउट सेक्शन फिफ्टी थ्री क्या कहता है? 53 ये कहता है कि तुम सामने वाले को जो एक्ट करने को कहते हो वो वही करके आता है लेकिन इसी का कॉन्सिक्वेंस अलग निकल के आ जाता है वो अलग से कोई एक्ट नहीं करके आ रहा है तुमने किसी को ग्रीवियस हर्ट करने को बोला

एक्ट जो है अबेटेड वाला ठीक है उसके अलावा एक सेपरेट एक्ट आपका कमिट किया जा रहा है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस वाला पॉइंट दोनों में है है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस वाला पॉइंट दोनों दोनों में है, लेकिन दोनों में लेकिन इसलिए है क्योंकि जो पहला सेक्शन है वो आपको बताता है कि आप एक एक्ट करने गए और उस एक्ट के साथ साथ दूसरा एक्ट हो गया अब ये दोनों कनेक्टेड हैं क्या हैं तो तुम लाइबल हो ठीक है 53 ये कहता है तुम ये करने गए और थोड़ा और भी कुछ एक्स्ट्रा करके आ गए या ये करने गए इसका थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ और इफेक्ट निकल के आ गया तो दिस इज द डिफरेंस इन सेक्शन नंबर एंड थ्री तो ये स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते थे सेक्शन एक सौ तेरह में भी है ना तो फिफ्टी वन में साफ क्या लिखा हुआ है फिफ्टी वन में लिखा हुआ है वेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट कमिटेड सामने वाला या तो तुम्हारा अबेटेड वाला एक्ट भी करके आ रहा है और एक डिफरेंट एक्ट भी करके आ रहा है या तो तुम्हारा अबेटेड वाला एक्ट करके आ रहा है ठीक है या डिफरेंट वाला अबेटेड वाला जो एक्ट है वो नहीं करके आ रहा है और डिफरेंट वाला करके आ रहा है लेकिन 53 में क्या हो रहा है कि वो एक्ट भी वही करके आ रहा है जिसका तुमने अबेटमेंट किया है लेकिन उसका इफेक्ट अलग निकल के आ रहा है तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन 51 वन एंड फिफ्टी थ्री इज दैट कि 51 वन में द एक्ट अबेटेड वॉज डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट कमिटेड दो अलग अलग एक्ट कमिट किए जाते हैं फिफ्टी के अंदर में और फिर यह देखते हैं कि क्या दोनों एक्ट यहां पर कनेक्टेड है फिफ्टी थ्री में एक्ट एक ही हो रहा है इफेक्ट अलग निकल के आ रहा है कॉन्सिक्वेंस अलग निकल के आ रहा है तो इनको यह देखना होता है कि तुमने जिस एक्ट का अब, अबेटमेंट किया था क्या उसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता था क्या इसे तुम यहां पे प्रिडिक्ट कर सकते थे क्या ये बात समझ में आई 51 और 53 का डिफरेंस समझ में आया वट आर दे टॉकिंग अबाउट डिफरेंस समझ में आया 51 क्या कहता है 53 क्या कहता है कूल cool. तो आज की कथा यही समाप्त करते हैं ठीक है नाउ जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था गाइस दैट स्टडी आईक्यू जुडिशरी का मैं आपको दोनों चीजों के बारे में बता देती हूँ स्टडी uh, आईक्यू जुडिशरी का जो लाइफ फाउंडेशन बैच है बैच नंबर सिक्स ये स्टार्ट हो रहा है परसों से फर्स्ट ऑफ मार्च से सो so, uh, अभी आपके पास कल तक का बढ़िया मौका है क्योंकि कल लास्ट डे है हमारी ईयर सेल का तो इस बैच में जुड़ के आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हो प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में सो so, अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है या क्रिमिनल लॉज वाले बैच में एनरोल करना है दोनों का तरीका सेम है ठीक है यहां पे पहले मैं क्रिमिनल लॉज़ वाले बैच के बारे में बता देती हूँ यहाँ पे रहा आपका क्रिमिनल लॉज़ वाला बैच ठीक है प्राइस इसका क्या है प्राइस मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे आपको बाय नाउ पे जाके क्लिक करना है यहाँ पे एड प्रोमो कोड लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है और लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आपको देखना है एंटर कूपन कोड यहाँ पे जाके टाइप करना है ए आर जे और इसको अप्लाई कर देना है और फोर ट्रिपल नाइन में ये न्यू क्रिमिनल लॉस का बैच आपको मिल जाएगा इसमें तीनों आपको पढ़ाए जाएंगे ऑफ मार्च से BNS स्टार्ट हो रहा है जो कि मैं पढ़ाने वाली हूं बी के बाद होगा बी और बी के बाद होगा आपका बी तो एस ऑफ मार्च से अगले दो महीने तक आपका बीएनएस करवाया जाएगा तो समवेयर जुलाई एंड तक आपके ये तीनों नए क्रिमिनल लॉज जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे तो फिफ्टींथ मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है ठीक है और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो प्राइस है फोर का ये सिर्फ कल रात तक के लिए है, यानी तक. तो तो मतलब तक कर लीजिएगा क्लासेस फिफ्टीन मार्च से स्टार्ट होंगी इसमें आपको लाइक आई टोल्ड यू इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा डिटेल में पढ़ाया जाएगा मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ इंटेंशन मोटिव ये सारी चीजें फिर प्रॉपर सेक्शन को डिटेल में कवर करवाया जाएगा और प्रम्स और मेन्स सेपरेट नोट्स भी आपको इस क्रिमिनल के बैच में मिलेंगे इसके अलावा बाकी आपको अगर लाइफ फाउंडेशन बैच में एनरोल करना है ठीक है तो लाइफ फाउंडेशन बैच में तो हम नए क्रिमिनल लॉस फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाएंगे है ना तो न्यू क्रिमिनल लॉज जो हमारे फाउंडेशन बैच वाले स्टूडेंट्स हैं इन्हें अलग से न्यू क्रिमिनल लॉज का बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है अगर आप फाउंडेशन बैच सिक्स में जुड़ते हो जो कि फर्स्ट ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें आपको न्यू क्रिमिनल लॉज भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड मिलेंगे सो so, ये बैच जो है इस पे भी सेल का कल आखिरी दिन है बाईस हजार चार सौ निन्यानवे का प्रोसेस आपका वही सेम है एड प्रोमो कोड पे जाके यहाँ पे जाके आपको ए आर जे एड करना है और अप्लाई कर देना है और अप्लाई अप्लाई करके जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो बाईस चार सौ निन्यानवे में ये पूरा बैच आपको आ, ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा ठीक है बाईस हजार चार सौ निन्यानवे में बैच फर्स्ट ऑफ मार्च से जो है वो स्टार्ट हो रहा है ठीक है इसमें आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर सकते हो प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में सो so आप में से जो लोग मेरे साथ मेरी मेंटोरिंग और मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं उसका डिस्काउंट कोड इज ARJ ठीक है बाकी अगर आपका कोई और डाउट है कोई क्वेश्चन है आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो राइट नाउ बट अगर आपका कोई डाउट कोई क्वेश्चन रह गया है कोई चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ओके सो थैंक यू गाई सो मच आई एल सी यू गाइज टुमोरो नाव टेक केयर ऑल द बेस्ट बाय बाय